तो गाइस आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, यह है लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हम 4 कर चुके हैं लेक्चर्स, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो देखिए गाइस, क्योंकि ये सारे का सारा इंटरकनेक्टेड है गाइस। ठीक है, और ये अभी हम करवा रहे हैं आपको एसएससी सीजीएल 2018 के लिए क्रैश कोर्स। ठीक है, वैसे तो चांसेस हैं कि एग्ज़ाम अभी टाइम पे ना होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि हम 25 जुलाई से पहले पहले आपको ऑलमोस्ट सारे का सारा सेक्शन कवर करा दें फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्रैश कोर्स है गाइस, और ये हमारे जो हैं ये दो चैनल टेलीग्राम पे भी जीवी विटमोवर के नाम से और यूट्यूब पे भी, तो यहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं दोनों जगह पे। तो देखिए, हमने प्लैनेट्स कर रहे थे तो हमने प्लैनेट्स पे छोड़ा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या मार्स है। मार्स मतलब मंगल ग्रह। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर्टीज थोड़ी सी लिख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, सभी को पता होगा कि ये रेड होता है। ठीक है, रेड होता है यानी कि लाल होता है। अब देखिए क्वेश्चन, वो या तो ये पूछ लेगा कि रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, तो हम बोलेंगे मार्स को यानी मंगल को। लेकिन कई बार क्या है कि इसका रीज़न पूछ लेता है कि कारण क्या है। ठीक है, जो रीज़न है इसका वो ये है कि मंगल ग्रह जो है उसकी सतह पर, ठीक है, उसके सरफेस पे बहुत सारा आयरन है। आयरन का फॉर्मूला Fe होता है, ठीक है, फेरस बोलते हैं इसको, यानी कहें कि लोहा है। तो ये जो आपको पता है कि जो प्योर लोहा होता है, ठीक है, वो रेडिश से कलर का होता है, तो इसीलिए ये जो मंगल ग्रह है ये लाल रंग का दिखता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है। उसकी जो सोयल है मंगल ग्रह की, यानी मिट्टी है जो, उसके अंदर बहुत सारा आयरन है, बहुत सारा लोहा है, इसीलिए वो रेड कलर का दिखता है गाइस। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ ही बता दूँ कि जो हमारा रियल आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, वो इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन आयरन के अंदर जब हम कार्बन मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तब ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो हम जो भी अपने आसपास देखते हैं लोहे को, वो सारे का सारा हार्ड होता है, यानी कि उसके अंदर कार्बन को मिक्स किया जाता है और कुछ और इम्प्योरिटीज़ मिक्स की जाती हैं, इसी कारण वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है गाइस। अच्छा, मंगल ग्रह के बारे में देखिए बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एक आधी चीज़ और हम देख लेते हैं इसके बारे में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी 2 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, 2 सैटेलाइट्स हैं, यानी कि उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं। पहले का नाम है फीबस, PHOEBES, फीबस। दूसरे का नाम है डीमोस। तो गाइज, इसके 2 उपग्रह का नाम क्या है, फीबस एंड डिमोज, हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे गाइज। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मार्स के बारे में सारे का सारा। अब देखते हैं हम अपना जुपिटर के बारे में। तो गाइज, जुपिटर के बारे में देखिए, आपको पता ही कौन सा प्लैनेट है, ये 5वां प्लैनेट है। ठीक है गाइज, ये कौन सा था, ये 4था प्लैनेट था। अर्थ के बाद क्या आता है, मार्स। मार्स के बाद क्या आता है, जुपिटर। तो जुपिटर के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टी की ये जो है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट है। लार्जेस्ट का मतलब होता है गाइज, हिंदी वाले सुन लो, सबसे बड़ा। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। ठीक है, तो जुपिटर का साइज़ जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और देवताओं के जो गुरु हैं उनको क्या बोलते हैं, बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, तो वही क्या है, जुपिटर है। इसके बारे में सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए कि इसको हम विंटर प्लैनेट भी बोलते हैं गाइस। ठीक है, इसको विंटर प्लैनेट भी बोला जाता है। इसका कारण ये है कि इसके ऊपर हमेशा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो -148 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है गाइस, ये इसका कारण है। कारण क्या है कि इसका तापमान, ठीक है, तापमान। तीसरा पॉइंट गाइस इसके रिगार्डिंग है इसकी सैटेलाइट यानी उपग्रह के रिगार्डिंग। ठीक है, सैटेलाइट बोले या फिर बोले उपग्रह। ठीक है, जो इसका, देखिए वैसे इसके काफ़ी उपग्रह हैं, लेकिन अभी हम हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है लार्जेस्ट वाला बताओ। ठीक है, सबसे बड़े वाला बताओ। तो जो लार्जेस्ट वाला उपग्रह है उसका नाम है इसका गनीमेड़े। ठीक है गाइस, हिंदी वाले भी इसको यही लिखेंगे। ये देखिए, ये नाम है जो, ये नाम नहीं चेंज हो सकते हैं गाइस। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इतना चीज़ को समझिए। आप ये मत बोलना कि मैं इसको हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा। तो इसका तो मतलब
बात तो वही होगी ना, ठीक है। या तो इसको हिंदी में कुछ और बोलते हैं तो भी बात थी, जैसे सैटेलाइट को उपग्रह बोलते हैं, ठीक है, सैटेलाइट नहीं बोलते हैं, तो वैसे ये गनीमेड है जो इसको यही बोलेंगे गाइस, ठीक है। ये नाम है सारे के सारे, आपको पता है फॉरेन वालों ने बना रखे हैं, इंडिया वाले वैसे ही वीक हैं ये कुछ। अगर यहाँ तो भारत में इनके नाम बने होते फिर तो इनका नाम पता नहीं क्या होता है, रिंकू चिंकू भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी फॉरेन में बने हैं तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो उनको सुटेबल लगे उन्होंने नाम इनके रख दिए हैं, तो आपको ये याद करने ही पड़ेंगे ऐसे ही, ठीक है गाइस। तो ये हमारा हो गया जुपिटर के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारा हमारा है वो है सैटर्न। ये है सिक्स्थ नंबर वाला ग्रह है, ठीक है गाइस। तो सैटर्न को क्या बोलते हैं, शनि बोलते हैं, ठीक है। आप कितनी पूजा करते हैं शनि देव की कि कहीं शनि भारी हो गए हैं, ठीक है। पंडित लोग आपका बहुत बेवकूफ़ी बना देते हैं, मतलब कि जो लोग उन पर विश्वास करते हैं तो वो बोलते हैं कि मतलब आपके ऊपर शनि हावी है, चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि कई ढोंगी बैठे हुए हैं, तो इसके बारे में तो सबको पता ही है गाइस, ठीक है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखिए क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए इस ग्रह के बारे में, इसकी खासियत देखिए क्या है। ये है सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। कहने का क्या मतलब है कि ये सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा पहले अगर पूछें तो कौन सा है, जुपिटर है, लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन है, सैटर्न है, ठीक है गाइस। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखिए क्या है कि इसके चारों तरफ क्या है, ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स हैं गाइस, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ठीक है। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, छल्ले बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, छल्ले। इसके चारों तरफ आपको पता है कि शनि ग्रह के चारों तरफ ये देखिए, अगर ये है तो ये चारों तरफ कुछ इस तरह से बना होता है, अगर आपने देखा हो तो ये जो है ये चारों तरफ क्या है, इसके कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, जिनको हम छल्ले भी बोल देते हैं गाइस। तो ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये आइस के बने होते हैं और डस्ट के बने होते हैं गाइस, ठीक है। ये जो छल्ले हैं ये किस चीज़ के बने होते हैं, देखो आइस प्लस डस्ट के बने होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पूरे के पूरे स्पेस में कुछ नहीं है, मतलब या तो आइस है या डस्ट है या गैसेस हैं, ठीक है। ज़्यादा से मतलब कि ज़्यादा इन चीज़ों की भरमार है, आप कुछ भी देख लो, ठीक है, इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो ये तीनों चीज़ क्या है कि स्पेस में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है इनकी, ठीक है गाइस। धरती में बेशक से धूल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन स्पेस में क्या है कि चीज़ें बनी ही इससे हैं, ये देखो आप। तो ये हमारा हो गया सैटर्न के बारे में, और इसके बारे में लास्ट ये है कि इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है, ठीक है गाइस, सबसे बड़ी सैटेलाइट, लार्जेस्ट सैटेलाइट यानी उपग्रह, उसका नाम है टाइटन। गेम सुनी होगी आपने, क्लैश ऑफ टाइटन्स, ठीक है। तो ये जो नाम है शायद यहीं से लिया गया हो, तो टाइटन इसका सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है। ये याद रहेगा आपको किससे, क्लैश ऑफ टाइटन के नाम से, ये गेम है काफ़ी फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो सेवंथ ग्रह है वो कौन सा है, यूरेनस, ठीक है, अरुण ग्रह भी बोल देते हैं इसको। तो यूरेनस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखते हैं अब हम। देखो एक तो ये 4 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ है गाइस, ठीक है। कहने का मतलब कि जो यूरेनस का साइज़ है वो क्या है, 4 गुना है अर्थ के साइज़ के, ये साइज़ की बात है, यूरेनस का साइज 4 गुना है अर्थ के साइज़ के, ठीक है। दूसरा ये है कि ये ग्रीनिश होता है गाइस, ग्रीनिश कलर, इस ग्रह का कलर कौन सा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब इसका रीज़न पूछ सकते हैं कि क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये है, ड्यू टू मिथेन, मिथेन गैस जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरमार में होती है गाइस, ठीक है, इसके एटमॉस्फेयर में। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए मिथेन को भी हिंदी में मिथेन ही बोलते हैं, ग्रीन को हरा बोलते हैं, इतनी चीज़ें तो यार सबको समझ आ रही होती हैं, ठीक है गाइज। तो बेसिकली गाइज जो चीज़ें थोड़ा सा उनका डिफरेंट सा नेम होगा, ठीक है, वो सब की हिंदी में यहाँ पे करके आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन जिनके नाम इंग्लिश और हिंदी में सेम ही हैं तो उनकी हिंदी कुछ हो ही नहीं सकती है। आप चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, किसी भी किताब से पढ़ लीजिए, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो तो वही के वही रहेंगे, ठीक है। नाम जो हैं वो नहीं चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं, यूरेनस के अंदर कई बार ये पूछ लेते हैं कि डिस्कवर किसने किया था गाइस, ठीक है, डिस्कवर किसने किया था। देखो डिस्कवर का मतलब सिर्फ ये है कि इन्होंने पहली बार देखा था, अदरवाइज आप भी
जानते हैं कि किसी ग्रह को कोई क्या डिस्कवर करेगा, वो तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। वो तो जिसने पहले देख लिया बस बोल दिया कि इसी ने डिस्कवर किया है, तो वो देखा किसने था, ये था सर विलियम हर्सिल, ठीक है गाइस, सर विलियम हर्सिल। तो कभी भी अगर ये पूछ लें तो ये बता दीजिएगा आप कि सर विलियम हर्सिल ने इसको डिस्कवर किया। ऐसी चीज़ें यूजुअली पूछ लेते हैं यार ये एसएससी वाले ना, इन चीज़ों के तो ये शेर हैं, मतलब ऐसी चीज़ों में पूछने में ना। देखा कैसे था विलियम हर्सिल ने इसको, वो देखा था टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है। एंड इसके बारे में एक और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये थर्ड लार्जेस्ट ग्रह है, ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट है। हिंदी वालों के लिए मैं बता दूँ, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है ये। नेक्स्ट गाइज, इस प्लेनेट के बारे में ये है, फिफ्थ लिख लीजिए, कि ये बहुत ज़्यादा वेरी कोल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठंडा प्लेनेट है ये, एक ये हो गया। और इसके जो सरफेस पे, मतलब कि अगर आपको टेम्परेचर, वैसे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं, ये तो सिर्फ ऐसी एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, किसी के टेम्परेचर वगैरह याद रखने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। 190 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और ये जो है ये इसके आसपास कितनी होती है, 13 रिंग्स होती हैं गाइज। अब ये कौन सी रिंग्स होती हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा, ठीक है, ये फाई, मतलब ये जो है एप्साइलन, मतलब इस तरह के जो ये नंबर्स हैं, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जितने भी अपने पास एसएससी से अजीब अजीब से नंबर हैं, इनके नाम पे इसकी रिंग्स का नाम रख दिया, बस दैट्स ऑल, ठीक है। और इसकी एक खास प्रॉपर्टी ये है गाइस कि ये जो रोटेट करता है, ठीक है, जब ये घूमता है तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है। कहने का क्या मतलब है, ईस्ट क्या होता है अपना, ईस्ट यानी कि पूरब, ठीक है, और ये जो है वेस्ट होता है, जो ये हो गया पश्चिम हिंदी में, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ ये घूमता है। लेकिन वैसे क्या है कि ये इसकी एक्सेप्शन है, ठीक है, बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, लेकिन ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये आ सकती है, ये ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा कि ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, बाकी क्या पश्चिम से पूरब की तरफ गाइस, ठीक है। और गाइस इसके बारे में जो आखिरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सेवन्थ प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं प्लेनेट ऑन इट्स साइड, ये इसका नाम है। कभी भी आपको अगर पूछ लीजिए कि प्लेनेट ऑन इट्स साइड किसका नाम है, तो ये यूरेनस का नाम है। इसका कारण ये है कि ये अपनी एक्सिस से, ठीक है, मान लो कि ये इसकी एक्सिस है, तो ये इससे बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा ना हो कि इस तरह का, मान लो कि इस तरफ काफ़ी झुका हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, प्लेनेट ऑन इट्स साइड बोल देते हैं, ठीक है गाइस। ये हो गया यूरेनस की प्रॉपर्टीज़। देखो गाइस, नेपच्यून ये कौन सा प्लेनेट है, मतलब ये आठवां प्लेनेट है, ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में वरुण ग्रह। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही लिख लीजिए कि ये ट्विन है यूरेनस का। देखो अगर यूरेनस का पूछ लें कि ट्विन कौन है, तो नेपच्यून है, नेपच्यून का ट्विन पूछे तो यूरेनस है, यानी जुड़वा है ये दोनों। एक मैंने आपको पहले जो बताया था वो क्या बताया था, अर्थ और विनस एक दूसरे के जुड़वा है, एक तो ये हो गया, और दूसरा नेपच्यून और यूरेनस एक दूसरे के जुड़वा है, ठीक है गाइस। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, ये बहुत बार पूछ लेते हैं कि बताओ ट्विन प्लैनेट कौन सा है, तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। और क्योंकि ये ट्विन है तो गाइस देखिए, इसमें प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम है कि इसमें भी जो सरफेस का टेम्परेचर है लो टेम्परेचर रहता है, ठीक है, टेम्परेचर मतलब तापमान काफ़ी कम रहता है तापमान, ठीक है, लो मतलब कम, ठीक है, छोटी बच्चों वाली बातें हैं जो तुम मेरे से लिखवा रहे हो। एंड नेक्स्ट है कि ये कौन सा आठवां प्लैनेट हो गया, ये तो हो ही गया, ठीक है हमारा। एंड इसके आसपास जो है गाइस, ठीक है, ये मान लो कि ये जो है ये हमारा नेपच्यून है, तो इसके चारों तरफ क्या होती हैं, मिथेन की रिंग्स होती हैं गाइस, ठीक है, इसके चारों तरफ मिथेन की रिंग्स होती हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, बस यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं नेपच्यून के बारे में, इसके अलावा कुछ नहीं ऐसा सच कोई भी पूछेगा। एक अपना जो नाइन्थ ग्रह होता था वो होता था प्लूटो, लेकिन अब ये नहीं है, तो अगर अभी कोई पूछ ले कि नाइन्थ ग्रह कौन सा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सा है, कार्ला, ये नाइन्थ प्लैनेट है। लेकिन अगर वैसे कभी आपसे नंबर ऑफ प्लैनेट पूछ लें तो आप 8 ही मार्क कर देना, क्योंकि पता नहीं यार एसएससी जी ने अभी ये अपडेट की है अपने अंदर के नहीं की है, ठीक है, तो आप बस 8 प्लैनेट मार्क कर देना। अगर बाई चांस वो पूछ ले कि नाइन्थ प्लैनेट कौन सा डिस्कवर किया नासा ने, तो वो कार्ला है,
ठीक है गाइस, तो ये कुल मिला के था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने जो बचे हुए प्लैनेट्स थे गाइस उसके बारे में जितना हो सकता था वो क्लियर कर लिया है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रीवियस ईयर की जो बुक है, प्रीवियस ईयर की बुक है जो, ठीक है, किरण की है या जो भी आपके पास कोई भी हो, ठीक है, राकेश सर की है, किरण की है, जो भी है, आपको ये टॉपिक्स उसमें से लगाने हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी है, इन्फॉर्मेशन विद एक्सप्लेनेशन दी है। इसके बाद आप उस बुक को लगाइए, आपके काफ़ी क्वेश्चन तो देखते ही निकल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो नहीं निकल पाएंगे उनको आप पीछे से देखिए, ठीक है, मैच कीजिए, क्योंकि मैंने बताया ना ये क्या है, ये क्रैश कोर्स है। अगर हमें ज्योग्राफी करनी हो तो एक साल भी लग जाएगा, मैं एक साल पूरा पढ़ा सकता हूँ, आपको इतनी पता है मुझे, लेकिन अभी क्या है कि टू द पॉइंट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही करेंगे। जो कुछ कुछ चीज़ें होंगी, पिट्स होंगे, वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से हल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर तो लगानी ही लगानी है, ठीक है गाइस। बाकी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे जीवी विटमोवर के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी जीवी विटमोवर के नाम से ही है, ठीक है। फेसबुक पे भी जाएंगे, वहाँ भी जीवी विटमोवर के नाम से ही है। जहाँ जहाँ भी आप हैं, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे हैं, इसी नाम से हमारे चैनल्स हैं, इसी नाम से हमारे अकाउंट्स हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और जितने भी लोग आपको दिखते हैं जिनको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टीचिंग की, कोचिंग की, तो उनको ये शेयर ज़रूर कीजिए गाइस, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। सबके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आप, ठीक है, पैसे के साथ किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, शेयर के साथ तो कर सकते हैं ना। मैं एजुकेशन देके किसी की मदद कर रहा हूँ, तो आप शेयरिंग करके कर लीजिए, ठीक है गाइस। चलिए फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।